अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में बृहद कंबल वितरण कार्यक्रम 5000 जरूरतमंदों को दिए। कंबल सामाजिक संस्था का कार्यक्रम, भाजपा ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष, 3 विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के एटा रोड होटल ग्रीन पार्क में एक विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था रोटी बैंक ने 5000 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। इस मौके पर भाजपा ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी रहे मौजूद, जिन्होंने देश प्रदेश सरकार की नीतियों की जानकारी दी। कल जनविश्वास यात्रा में सभा में खाली कुर्सी पर सफाई दी। जगह जगह स्वागत होने के कारण सभा स्थल पर भीड़ कम थी, लेकिन रास्ते में स्वागत में बृहद भीड़ हुई है। इस मौके पर शिकोहाबाद भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, सिरसागंज विधायक हरिओम यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार आदि नेता रहे मौजूद। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। समस्त व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ। इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम आज मौसम के हिसाब से कम्बल वितरण का निराश्रित लोगों के आयोजन किया गया है। इससे निश्चित रूप से वास्तविक समाज सेवा है, इससे पीड़ा मिलेगी। तो इस तरह के कार्यक्रम सब लोगों को जो समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, जो भौतिक रूप से और पैसे की रूपरेखा से क्षमता रखते हैं, सबको इस तरह के कार्यक्रम समाज सेवा के करते रहने चाहिए। मैं पुनः एक बार रोटी बैंक के सभी पदाधिकारियों, विशेष रूप से अपने मनोज भाई को और इन सब लोगों को, अपने राजीव गुप्ता जी को, इनके पिताजी जो बहुत ही वरिष्ठ यहाँ रहे, पूरी में चेयरमैन रहे, हमेशा उनकी पीड़ा इन लोगों को मिलती रहती है, इन सब की पूरी टीम को, ट्रस्टियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस सबसे कामना करता हूँ कि क्या है ये समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, इस भारत के नागरिक हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जो समाज के दूरस्थ स्थान पर रहते हैं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, ऐसे समाज के वे वंचित लोग, समाज के उन लोगों के द्वारा जो समाज की सेवा में अग्रणी हैं, यहाँ जो रोटी बैंक बनी है और उसका जो ट्रस्ट है जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग मिलकर उनकी चिंता करते हैं। अगर आप सच पूछें तो समाज का यह भाग इन कमजोर लोगों की जो सेवा करता है वो ईश्वरीय सेवा है, और जहाँ ईश्वरीय सेवा का भाव जुड़ जाए, वो अंत्योदय से निकालकर उजाले की ओर ले जाने का काम करता है। चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है जिले में? भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद या हारने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। जिस प्रकार कल जनविश्वास यात्रा में देखा गया, स्थानीय नेताओं द्वारा कोई प्रचार प्रसार न होने के कारण आदमी कुर्सियां खाली रह गई, जिसका दुष्प्रचार हो रहा है, उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस जिले में 40 से अधिक पॉइंट ऐसे बनाए थे जहां 2-3 हजार कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का काम किया था। लोग यात्रा में चल रहे थे, लोग अलग अलग जो स्थान तय किए गए थे वहां खड़े हुए थे यात्रा की तैयारी के लिए, स्वागत करने के लिए। कुछ बसें क्योंकि डिप्टी सीएम आए थे तो कोल्डों पर रोक दी गई ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, लेकिन फिर भी सभा भी अच्छी हुई और यात्रा भी बहुत अच्छी हुई। आज रोटी बैंक द्वारा कम्बल वितरण का कार्यक्रम रजनीकांत महेश्वरी के
उपस्थिति में नगर सभावाद में किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो मिट्टी बैंक हैं ये लंबे समय से लगातार गरीबों के हित में, साधु संतों के हित में, पाँच हजार कम्बल मैं तो भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि रोटी बैंक से जुड़े सभी सदस्य खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, ताकि आने वाले अगली वर्ष में और अधिक संख्या में कम्बल बांटकर नगर में अपने नाम को और ऊंचा करें।